हाय आंटी। ओह हाय। आज बड़ी सुबह सुबह? आज बहुत बोर हो रही थी घर पे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था तो सोचा तुम्हारे पास हो। अच्छा किया ना? बैठो, चलो कुछ खाते हैं। क्या खाओगी? मैगी बनाऊं? और नहीं यार, मैगी वैगी नहीं, वो आजकल मैं थोड़ी डाइटिंग पी हूँ। ओ, डाइटिंग वगैरह हो रही है? हेल्थ कॉन्शियस। ओके, क्वाइट इट। तो एप्पल ही खाते हैं? दैट्स ओके ना? ओके, एप्पल तो ठीक है। या ले आओ, रुको मैं लाती हूँ। ये लो। क्या देख रही हो? एक बात पूछूं, क्या ये रियल है? ऑफ कोर्स ये रियल है, ये मनी प्लांट है। ओह, देन ये यहाँ पे बिना सनलाइट के कैसे हैं? ये तुमने कैसे बनाया? ये मनी प्लांट है ना? मोस्टली मनी प्लांट्स तो ऐसे लटकते रहते हैं, ऐसे कैसे सीधे सीधे है? ओके, बताऊँ जी इसकी केयर कैसे करती हो, इसको बनाई कैसे हो, इसमें मिट्टी होती हो और इसमें कपाल डालती हो, इसको कैसे यहाँ पे रखी हो? और रुक जाओ, थोड़ा सांस ले लो। या दैट्स गुड। चलो तो मैं बताती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाई या इसकी केयर कैसे करते हैं और इसके इस शेप को मेंटेन कैसे करते हैं। लेपल तो फिनिश करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी पत्तियां तो छोटी छोटी हैं और ये काफ़ी लंबा है तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसमें पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और ये इसकी लेंथ भी कम है जो भी स्टेम है। बट जब आप इसमें लगाएंगे और कुछ दिन बाद ये लग जाएगा, इसमें इस कप के हिसाब से पत्तियां निकलने लगेंगी। ये जो बड़ी पत्तियां हैं ये हट जाएंगी और इसमें से छोटी छोटी पत्तियां आने लगेंगी, जैसा कि इसमें मैंने ऐसे ही इसमें लगाया था। देखो इसकी पत्तियां कितनी लंबी लंबी टाइप में हैं, छोटी हैं बट लंबी हैं, और नॉर्मल मनी प्लांट के ऐसी होती हैं, थोड़ी चौड़ी सी पत्तियां होती हैं। बट क्योंकि ये कप में है ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा,
तो उसी के हिसाब से ये एडजस्ट हो गई हैं। जैसे कि हम लोग एडेप्टेशन जानते हैं, तो ऐसे पौधे भी होते हैं कि जहां भी इनको लगाओ उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अडेप्ट कर लेते हैं। मनी प्लांट को मैंने एक बड़े पॉट में लगाया, इन सबसे तो काफी बड़ा है ये, काफी बड़ा। तो इसमें देखो पत्तियां, इसमें पत्तियां काफी बड़ी बड़ी हैं, नॉर्मल साइज की पत्तियां हैं इसमें। इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें कि इसकी पत्तियां काफी बड़ी हैं कप के हिसाब से या फिर इसकी स्टेम छोटी है। ये सब जब वो लग जाएगा, फिर नई पत्तियां उगने लगेंगी, तो सब कुछ उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। ओके, इसकी केयर कैसे करें? इसमें आप थोड़ी बहुत खाद भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मनी प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, और क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स हैं तो इनको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इनको आप कहीं ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखिए जहाँ पे रोशनी तो आती हो लेकिन डायरेक्ट धूप ना आती हो। धूप लगने से क्या होता है, इनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और ये जलने लगते हैं और ख़राब होने लगते हैं। तो इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आ, और थोड़ी सी कम लाइट भी होगी तो चलेगा, कोई बात नहीं है। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसको 2-3 घंटे के लिए कहीं ब्राइट लाइट में रख दीजिए, उसके बाद शिफ्ट कर दीजिए। तो शिफ्ट करना भी बहुत आसान है ना, तो इसको आप तब भी शिफ्ट कर सकते हैं। एंड इसमें पानी कैसे डालना है, ये मैंने इसके नीचे कोई होल नहीं किया, बट तब भी लग जाता है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको होल करने की। इसमें हम पानी कैसे डालते हैं, पानी तो मैं वैसे 1 वीक के बाद ही डालती हूँ, जब मैं देखती हूँ मिट्टी थोड़ी सी सूख गई है। इसकी मिट्टी अभी गीली है, ठीक, लेकिन जब सूख जाती है तो थोड़ी लाइट कलर की हो जाती है। और ऐसे टच करने से ये मिट्टी चिपकती नहीं है। मिट्टी चिपक रही है तो इसका मतलब ये है कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, और जब मिट्टी नहीं चिपकेगी तो फिर इसका मतलब है कि इसको पानी की ज़रूरत है। अब आप इसको पानी डाल दीजिए, और बहुत ज़्यादा पानी भी ना डालिएगा, उतना डालिए कि जितना इस कप भर को हो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटरिंग भी करने की, ओवर वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग से इंडोर प्लांट्स ज़्यादा मरते हैं दैन अंडर वाटरिंग। ये वाले पौधे क्या होते हैं, इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, ठीक। इनको बहुत ज़्यादा पानी देने की और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ना महसूस करें। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद बस हमें टाइम टाइम पे ध्यान रखना है पानी डालने के लिए, और कोई ध्यान नहीं रखना है इसको। और इसको थोड़ी सी लाइट वाले एरिया में रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, ठीक। दैट्स इट। तो मैं यहाँ इसको खिड़की के पास रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमेशा रोशनी रहती है, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो। और जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा फिर मैं आपको अपडेट करूँगी इसको कुछ 1-2 महीने बाद वाली वीडियोस में। वाव, कितना इजी है, मुझे लगा कितना टफ होगा इसकी केयर करना या इसको बनाना, बट इट्स सो इजी, सो इजी। सो मैं ले जाऊँ फिंगर। Okay, thank you. All right, guys, that was it for today's video. I hope you liked the video. If you liked it, then please like, share, comment, subscribe, and also press the bell icon so that you get notified when I upload our next videos. Until then, bye bye. Take care, stay safe, stay healthy.